मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। अगर यहां पर अस्पताल बना है तो राजभवन में नहीं, राजभवन में आपके आदेश का पालन किया, इसलिए यहां पर अस्पताल बना है। यहां पर बिजली घर बना है तो इसलिए नहीं कि राजभवन में आपका कोई एहसास करके बिजली घर बनवाया। ये चेहरे हैं, मुस्कुराते हुए चेहरे, ये आपका प्यार है, ये आपका आशीर्वाद। इस लायक आपने बनाया कि मैं कि मेरी कलम के दस्तक चल सके और आपका बिजलीगर यहां पर बना। हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा, जंगारा के आसपास के तमाम वो गांव जहां पर लोग गड्ढों में जाते थे, जहां पर सड़क आए दिन बेईमानी का शिकार हो जाती थी, खड़ंजे टूट कर गिर जाते थे, वहां पर पहली बार सारे जंगारा के आसपास, उस तमाम इलाकों के आसपास अगर कोई सीसी सड़कें बनना शुरू हुई तो आपके भाई ने बनाने का काम किया। ये ऐसा नहीं था, इसलिए किया कि मेरे लोगों ने, मेरे अपनों ने मुझे अगर यह एहसास कराया है तो मेरा फर्ज बनता है कि काम तो यहां पर ऐसा हो तो नजर आए, और ऐसा काम हो कि लोगों की दुआएं लगे, और आपने दुआएं दी, और आज उसी का परिणाम है कि आपने खुद ही अपने खंभे गाड़ लिए और खुद ही अपना तखत बिछा लिया और खुद ही आपने अपनी कुर्सियां लगा ली। यहां पर मेरी कोई बिरादरी, कोई जात, कोई धर्म, कोई मजहब नहीं है। राजभवन से कोई पूछता भी नहीं है कि मेरी जात क्या है, तेरा धर्म क्या है, तेरा मजहब क्या है। सब ये कहते हैं कि राजभवन मेरा है, और सही माने में मैं तेरो ही हूं भाई, मैं तेरो हूं, तुम्हारा हूं, और यही मेरी पहचान है। और इस पहचान को आपने साबित किया 2009 के अंदर, जब मेरे ऊपर किसी ने झूठा इल्जाम लगाया था तो चहारवाटी के अंदर पंचायत हुई, और उस पंचायत में मुझे बुलाया गया, वो चेहरे भी मुझे नजर आ रहे हैं। चौधरी ने चौधरी के खिलाफ वहां जाके कुछ कही मथुरा में, मैंने कहा हंस की कसम खा के कहूं, पहली बात तो मथुरा गया नहीं चुनाव में और उससे पहले भी, और दूसरी बात क्या कही हुए ना मालूम, लेकिन मैंने एक शब्द कभी चौधरी साहब के खिलाफ, तब छोड़ो तब छोड़ो तब छोड़ो, आज तक चौधरी चरण सिंह जी के परिवार के किसी व्यक्ति के खिलाफ राजभवन के मुंह से आज तक शब्द नहीं है। तो भाई खड़े हो गए, नारा लग गए, चुपरा कछु नहीं है, कछु ना कौचुन है, और कह दिया चौधरी से, हमारा चौधरी, चौधरी तू हमारा चौधरी हमेशा के लिए, यहां जयकारा चारवाटी में राजभवन पर हमारा चौधरी। ये बहुत बड़ी बात थी, ये मेरे लिए वरदान थी, ये बुजुर्गों के मुंह से निकला हुआ शब्द था, और मेरे यहां पर आज चुनाव में खड़ा होना, मैं कोई चुनाव लड़ने नहीं आया, सांसद तो राजभवन फिरोजाबाद से भी बन गया था, मुरादाबाद से भी शायद बन जाता, लेकिन जब यहां के लोगों ने मुझे सिखा बताया, मैं तो उंगलियां कसी कि तुम्हें हम पे भरोसा ना, तुमने हमारी बेइज्जती कराई 2009 में, तुम गिनती में वहां नहीं थे, चुनाव हार गए, और हमने रोटी ना बनाई बाजे, हम खून को घूट पी के रह गए, और तुम गाजियाबाद चले गए, बच्चे झूठ बोला तुमने कि साहब ये आरएलडी के साथ में गठबंधन में चली गई है, और अब कौन से गठबंधन में गई, तुम खुद ही अध्यक्ष हो, तुम मुरादाबाद जा रहे हो, मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या बोलूं। मुरादाबाद अनाउंस हुआ था उसी दिन, 1500 आदमी दिल्ली में था, मैं शाम को जब दिल्ली पहुंचा तो देखा कि सभी लोग बोले कि तुम हमारी बेइज्जती करा रहे हो, ध्यान रख लियो, जो आदमी घर वालों की इज्जत नहीं करता बाहर उसकी इज्जत नहीं होती। मेरी ये बात सीधी लगी, और मैं ये बात हम लोग यहां पर खड़े हुए, मैं इसलिए नाम नहीं लेना चाहता हूं, इसमें से चार वादी के भी कुछ लोग, मैं इसलिए नाम नहीं लेना चाहता हूं उनका कि कल को ये रहो कि सारे तू गए,
लेकिन ईश्वर की कसम खा के कहता हूं कि चार बार मान लो, मैं झूठ नहीं बोलता। मैंने कहा कि मुझे मौका दो, मुझे एक दिन का मौका दो, मुझे अपने लीडरशिप से बात करने। बोले तुम झूठ बोल रहे हो, तुम खुद ही अध्यक्ष लीडरशिप की क्या जरूरत है। मैंने कहा नहीं, प्रक्रिया अध्यक्ष प्रदेश का होगा, ये लोकसभा का रहा। और उसके बाद मैंने कहा मैं कसम खा के कहता हूं ठीक है, रुक रहे ना। मैंने कहा आपकी मर्जी, आपका घर रुकना चाहे रुक जाओ, लेकिन मुझे फिर भी मैं कल समय लूंगा सुबह, उसके बाद मैं बात करने के बाद बताऊंगा। तो बोले ठीक है, 10-12 लोग रुक रहे, बाकी चले जाए। 10-12 सुनाए, 20 लोग रुके। मैं सुबह बात की अपनी लीडरशिप से, रेंका जी से बात की, ज्योतिराज सिंधिया जी से बात की। उन्होंने कहा कि देख लो बहुत मजबूत सीट है। मैंने कहा हो सकता है सीट मजबूत हो, लेकिन जो बात मुझसे कही गई है, अगर ये बात आगे तक चली गई तो शायद मैं वहां पर इतना अपने आप को, मैं अपना भरोसा खो बैठूंगा। और मुझे मेरी बात भी उन्होंने राहुल जी के पास पहुंचाया। राहुल जी ने मुझे बुलाकर पूछा कि वाकई। मैंने कहा जी साहब, जीत हार ईश्वर के हाथ होती है। मैं अपनों को यह एहसास नहीं कराना चाहता कि अपनों, मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया, मैं उनके भरोसे पे मैं अपने ही घर में वापस जाना चाहता हूं जिन्होंने पहली बार मुझे सांसद बनाया 1999। और मैं आपके बीच में आया, मैं किसी के खिलाफ लड़ने नहीं आया, मैं अपनों के बीच में आया हूं। मेरे कुछ काम थे अधूरे, याद करो 2009 में मैंने कहा था कि आलू के किसानों की हालत बहुत खराब होने वाली है, जब तक यहां पर आलू को लेकर कोई ऐसी योजना नहीं आती तो यहां का किसान बहुत बुरे हालात का सामना करेगा। 10 साल हो गए, मेरी बात पे किसी भी चुने हुए व्यक्ति ने गौर नहीं किया, किसी भी सरकार ने गौर नहीं किया। और आज आलू का किसान आज बच से बदतर हालात हो गए, बच्चों की फीस तक नहीं दे पा रहा। आज जो कोल्ड स्टोरेज के अंदर जो आलू पड़ा है वो व्यापारियों का आलू नहीं है, बल्कि किसानों का स्वयं का आलू है जो कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ। अभी थोड़े दिन पहले आलू की कीमत बढ़ी थी, वो फिर नीचे गिर गई, 665 का दावा लगता रहा, लेकिन मिलने को कुछ भी नहीं है। अभी मैं फतेहाबाद से आ रहा था, पेड़ों के नीचे बोरे रखे हुए हैं, कोई उठाने वाला नहीं, खरीदने वाला नहीं। मेरा सपना है, मैं पूरा करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि फतेहपुर सीकरी की राजस्थान से जब मैंने निकलना, आज उसे सर्वे स्थगित करवाने के लिए मैंने कागज लिखे थे, 10 साल में वो नहर यहां तक, यहां फतेहपुर सीकरी में नहीं आई है, सिंचाई का कोई साधन नहीं बना। मैं चाहता हूं मुझे मौका दिया। अरे अब तो वहां पर कांग्रेस की सरकार है। मैं चाहता हूं कि मध्य प्रदेश से जो पाइपलाइन जा रही है भरतपुर के लिए, उसका एक फीडर यहां हमारे यहां नहीं हो जाए तो मेरे अकूला में पानी पीने का, मुझे काम करने का मौका दीजिए। मैं किसी को हराने नहीं, किसी पर उंगली उठाने नहीं आया हूं, मैं काम करने के लिए आया हूं। और मेरी पहचान यहां पर और कोई नहीं है, मेरे लिए आप यहां पर इकट्ठा हुए हैं। मैं आज अवतार सिंह जी का अपने भाई का अपना आभार प्रकट करता हूं, मैं अपने छोटे भाई का आभार प्रकट करता हूं कि आप उन्होंने मेरी बात पहुंचाने की कोशिश की और आप यहां पर इकट्ठा हुए हैं। कोई ट्रक, कोई घोड़ा, कोई गाड़ी आपको लेने नहीं गई, आप यहां पर आए हैं। अगर आप यहां पर आए हैं तो राजबब्बर को आपके साथ मिलकर कुछ कर लेने दीजिए, ताकि आखिरी वक्त में मैं ये कह सकूं कि राजबब्बर सांसद नहीं था, बल्कि राजबब्बर ने यहां पर काम करके दिखाया। मैं यही आपसे प्रार्थना करने के लिए आया, आपसे विनती करता हूं। 18 तारीख को जिसको आपने पहली बार सांसद बनाया है, अब 18 तारीख को हाथ के पंजे के निशान पर बटन दबा के इसको काम करने वाला, इसको काम करने वाला एक अपना साथी बनाकर ले आना, और तब आपको काम करके दिखाऊंगा। अगर अपना वचन पालन ना कर सका तो इसी चंगारे में आकर इस्तीफा दे दूंगा। ये आपका हाथ की तरफ मेरा सपना है
खासकर फतेहपुर सीकरी क्षेत्र के अंदर मेरे किसान जो किसानी करता है और उसके पास में ट्यूबवेल है, उसके ट्यूबवेल का बिजली का बिल माफ किया जाए, ये बुरा चाहता करवा करवा के छोड़ूंगा। किसानों का कर्जा माफ हो, ये मेरे नेता ने कहा है। गरीब के घर में उस परिवार की महिला मुखिया को हर महीने 6,000 रुपए यानी 72,000 रुपए साथ पहुंचे, ये मेरे नेता ने बोला है। हर गरीब का इलाज करवाने लायक नहीं है, चाहे उसका इलाज प्राइवेट अस्पताल में हो या सरकारी अस्पताल में हो, उसका बिल सरकार भुगतान करे, ये मेरे घोषणा पत्र का कांग्रेस है। ये मैं आपको वादा कर रहा हूं, मैंने अपने नेता से बात करने के बाद में किया है और वचनबद्ध हूं। मैं त्रिवाचा के साथ में कहता हूं कि आप ट्यूबवेल के बिल माफ कराऊंगा। मुझे काम करने का मौका मिला था, मैं खुद सांसद बनके नहीं, मैं यहाँ के लोगों को, यहाँ के लोगों का दिलों में अपने लिए एक रेखा लिखवाना चाहता हूँ कि भैया हमारे राज्य पर काम तो कुछ करो, बस इतनी सी बात कह देना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, आपको नतमस्तक क्या आपने मुझे प्यार दिया। मैं डरा हुआ था कि मुझे पता नहीं यहाँ भी प्यार मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो मेरे अपने हैं मुझे आशीर्वाद दीजिए। आपका आशीर्वाद, धन्यवाद, बहुत बहुत जय हिंद।